वाला चश्मा लगाने के बाद मुझे फिर कंपैरिजन पता चला कि वो चश्मे क्या है, क्योंकि ना जैसे सरोजनी नगर मार्केट में लगती है ना बाजार, ऐसे बाजार है। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम चश्मा लेने जा रहे हैं, कैमरा लेके नहीं जाऊंगी, आके बता दूंगी, फ़ोन से रिकॉर्ड कर लूंगी, क्योंकि ना अभी नॉर्मल वही रोड पे जाना और कैमरा लेके जाओ तो फिर वही, फिर बाद में हमारी चाचा जी की जो चाचा जी के यहाँ फंक्शन था ना, उनकी बड़ी बहू के यहाँ पे, उन्होंने बोला कि दीदी यहीं खाना खाओगी, तो दोपहर में लंच वहीं पे ही है, फिर उनके घर जाऊंगी दोपहर में आके वहाँ से 12:30 एक बजे के बाद। मुझे बहुत सारे लोग बुला रहे हैं पर इस बार शॉर्ट ट्रिप है, क्योंकि साकेत में कहाँ बोलूँ, दिल्ली इतनी इतना जाम है और मुझे ही बुलाते हैं सब जगह, आप इधर आ जाओ इधर आ जाओ, तो कहाँ मेरे से एक और जाम देखा है आपने इधर, इधर की साइड तो इधर की साइड बहुत जाम है, उधर आधे लोग उधर हैं साकेत की तरफ, आधे इधर हैं। भाई आगरा से भाई साहब का फ़ोन आया, भाभी जी इधर आ जाओ। मैंने कहा जब मैं दोबारा से आऊँगी तब आऊँगी फरीदाबाद का ट्रिप करना, बुआ जी के यहाँ का, ठीक है। हर बार ऐसे ही बोलती हूँ मैं, तो कहाँ जाऊँ, तेरे को दिख रहा है ना रोड पर कितना जाम है, हाँ तो वही लोग आ सकते हैं ना हर जगह, अब मैं अलग 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 नहीं जा सकती सब जगह। मैंने चश्मा बनवा लिया और मुझे लग रहा है कि मैं इसमें फिट हो गई हूँ, क्योंकि जो टेक्निकल जो चीज़ें समझ नहीं है, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी, पर मेन चीज़ें समझ गई। ये टाइम भी इसलिए फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव पहन रहे हैं, आपका प्रोग्रेसिव लेंस है, तो उसमें डिस्टेंस का इंटरमीडिएट का रीडिंग का तीन डिस्टेंस होते हैं। अच्छा, तो कहाँ से डिस्टेंस का देखने, कहाँ से रीडिंग करके, वो यूज टू होने में मैक्सिमम एक दिन लगा, एक दिन में, ठीक है। तो भैया इसका और नीचे पढ़ने में भी मुझे तो इजी लग रहा है, क्योंकि हम किसी आंखें वो करनी है और जब चलना है तो पूरा नीचे, मतलब थोड़ी टेक्निकल जो है पॉइंट वो सीख जाओ, अपने आप आंखें यूज्ड हो जाती है। और ये मेरा भैया ने, ये आप काजल हो गए, ये मैं काजल बना दी उन्होंने। आप इसको कभी भी नॉर्मल ग्लास के तरीके से कर सकते हैं, हाँ, और कभी भी आप इसको सनग्लास पे कर सकते हैं। अच्छा, तो ये उसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, नहीं ये पर्टिकुलर इसी पीस पे, इसी पे, हाँ जी, ठीक है। तो इसका प्राइस पूरे का, मतलब ये प्रोग्रेसिव लेंस के साथ, ब्लू कट लेंस के साथ और क्लिप ऑन के साथ टोटल 6480 का चश्मा, 6480। अच्छा, वो वाला उसमें क्लिप ऑन नहीं है, ये आपको 5780 कॉस्ट, 57, हाँ जी। ये भी प्रोग्रेसिव लेंस है, ब्लू कट लेंस है, लेकिन जो मेरे वो लेंस थे ना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब क्लियर देख पाती हूँ, शायद इन लेंसों का भी इम्पैक्ट आंखों पे आता था। एक और अच्छी चीज़ होती है इन लेंसेज की, जब आप कैमरे में देखेंगे ना, या फिर फ्लैश लाइट इसके ऊपर आएगी, तो आपके लेंसेज इसमें इनविजिबल रहेंगे, ऑलमोस्ट इनविजिबल। अच्छा, मतलब लगेगा कि खाली आपको फ्रेम पहना, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ दिस लेंस, जो पहले आप लेंस पहने थे उसमें रिफ्लेक्शंस बहुत थी, तभी मैंने यहां से बनवाया। थैंक यू, थैंक यू। मैं कल से अपना वहाँ देने के बाद पुराना चश्मा ढूंढ रही थी और मुझे भूल गई, मैं दिया को पता नहीं, पता दिया को शायद पता हो कि नहीं पता हो, और मैं भूल गई कि मैंने भैया को दिया हुआ है, हाँ वही रखा और होता। ये वाला चश्मा लगाने के बाद मुझे फिर कंपैरिजन पता चला कि वो चश्मे क्या है, क्योंकि ना देखिए मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपकी आँखें हैं, आपके पैर हैं, आपकी स्किन है, कुछ चीज़ें जो है ना वो मैटर रखती हैं कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, कैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जैसे जूते हैं वो बढ़िया चाहिए होते हैं, चश्मे हैं क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं बनती हैं, बार बार नहीं होते हैं चश्मे, खराब हो गई तो फिर हो ही गई खराब, फिर वो वैसे ही रहते हैं, आंखें तो ऐसी चीज़ें जो हो जाएगी तो वो होगी नहीं, बाकी चीज तो फिर भी ठीक हो सकती है, तो हाँ, तो इसीलिए। और देखिए रिलेशन ऐसा नहीं है कि किसी चैनल से है या कोई प्रमोशन वैसे है, भैया जो है वो मेरा अंकल जी और भैया से इतना, मतलब यहीं से ही गहरा रिश्ता है कि मैंने बजाय देहरादून से, मैं वहाँ पैसे वहाँ पे दे सकती थी और इतने महंगी चीज़ें हम वहाँ से लेते हैं, लेकिन फिर मुझे पता, मेरे को इतनी थी कि भैया को नॉलेज बहुत सारी है, हम दुकानों पे जाते हैं हमें नॉलेज, उनको नॉलेज नहीं होती, वो खोल लेते हैं सिर्फ आपके चश्मे का नंबर लेके और वो बना देते हैं, कई लोग तो ऐसे होते हैं, इतनी डीप नॉलेज नहीं होती है, भैया को पूरी डीप नॉलेज है और अच्छे से फिर आपको एक्सप्लेन भी करते हैं, तो आप जो पूरा वैसे जैसे कि ऋषिकेश में महंगे भी दे देंगे तब भी उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, नहीं जो दिल्ली में रहते हैं तो उनके लिए आसपास ही अच्छी जगह है, थोड़ा मतलब आपको अगर कोई अच्छी चीज, वो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार, तो वही बात है कि आप अगर अच्छी चीज़ें बनवा लोगे एक बार, अच्छी बनवा लोगे और उसको फिर कंपैरिजन पता चलेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हो,
तो आप यहाँ आ सकते हैं, पलक ऑप्टिकल्स के नाम से है, और क्योंकि जो आसपास रहते हैं पहले भी लोग गए थे और वो भी अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। थ्री इन वन बना मेरा। हाँ, कैसा क्या एकदम? ये सामने स्ट्रेट वाला, एक नीचे देखने वाला और एक वो जो मतलब सनग्लासेस। इतने बार बार लेते हैं वो, सच्चाई की मैं वो कर लो काम। अब देखते हैं, अभी तो यही पहन रखे हैं उन्होंने, अभी तो पूरा नहीं है क्योंकि ठोक ठाक ना दे। घर पे आके प्रैक्टिस कर रही हूँ चश्मे की, बाहर नहीं कर रही हूँ। अब जा रही हूँ भाभी के घर पे और दिया चलो, कल हम अपने ऋषिकेश चले जाएंगे। ऋषिकेश की याद आनी शुरू हो गई। कह रही है आप थकती नहीं हो क्या चलने वलने में? ऐसा लग रहा हूँ तारों के शहर में चल रहे हैं। ऋषिकेश में मैं आपको चांद तारे दिखाती हूँ या मैं आपको गली के तार के तार तारे दिखा रही हूँ। मैं पिछली बार अपने भाई का घर भूल गई थी, यहाँ भी भारद्वाज लिखा है ना। हाँ, और मैं उधर कुंडी खटखटा रही। ये देखो, ये दो नालायक, ये बच्चे 2 घंटे के लिए अच्छे लगते हैं बस। इसको देखो, बोलो बुआ। बोलो बुआ, देखो क्या हालत कर रखी है इसने। किट्टू कौन हूँ मैं? बुआ जी बोलो। आप बोल रहे हो क्या? बोल रहे हो नहीं 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 नहीं, ये लाइट देख रहा है, रेड लाइट जो है। किट्टू कौन हूँ मैं? बताओ कौन हूँ मैं? नहीं, किसी को मतलब नहीं है। अरे क्या हो गया? ये रीना खाना बहुत अच्छा बनाती है, हमारी मीनू भाभी बहुत अच्छा बनाती है, और उसके बाद रीना के हाथ का अच्छा लगता है। मीनू भाभी आज छोले बनाने वाली थी तो मैंने बोला रीना ने आज राजमा बनाए हैं, देखो राजमा कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। तो क्या पूड़ी बना रही है? नहीं नहीं, हाँ चावल खाएंगे हम, चावल भी बनाए और रोटी की तैयारी भी है। अच्छा, मैं भाभी के घर से खाना खा के आई और मम्मी बोल रही बुध बाजार चलना है। ये बुध बाजार लगा हुआ है आज, ये यहाँ पे सेल लगी हुई है बुध बाजार में। मेरे को बैली पसंद आ रही है 250 रुपये की है। नानी नहीं लेने देगी, नानी पहले धमका देती है। नानी बोलेगी 200-200 रुपये की है, 100-100 रुपये की है। मेरे को बैली लेनी है और तो कुछ नहीं लेना, पर ये अभी लगने लगा है, पहले नहीं लगता था बुध बाजार हमारे टाइम में। मैंने जब तक फोन नहीं खोला हुआ था, मुझे कोई जान चैनल देखने वाले मिल गए थे वहाँ पे ना, जैसे सरोजनी नगर मार्केट में लगती है ना बाजार, ऐसे बाजार है और अच्छे अच्छे लोग खरीद रहे हैं। ये जूतियाँ पसंद आ रही हैं। मैं देख दाग के वापस आ गई है, बुध बाजार देख लिया, वापस घर चला। कल सुबह निकलना है 7 बजे। यहाँ हर मार्केट में पार्लर मिलेगा। पैकिंग शुरू है, कल सुबह निकलना है, और एक जोड़ी कपड़े, क्योंकि मैं ही नहा के जाती हूँ हमेशा, ये तो नहा के जाएगी। तो आज तक ना के आई थी? क्यों नहीं आई? ना के तब तो कल ना के जाएगी शायद। तो बस हमारी हो गई है, पापा बोल रहे हैं रुक जा भी एक हफ्ते। क्या बोल रहे थे अभी कि तेरी क्या हो रही है, भैंस खुल रही है बनकर, जैसे आपकी आप भागते हो वहाँ से, ऐसे मैं भाग रही हूँ यहाँ से। अभी ना बहने भी नहीं है यहाँ पे, मतलब कल मिल गए थे, परसों मिल गए थे, और फिर सबके अभी उनके बच्चों के पेपर चल रहे हैं। दिया बोर हो गई है, दिया के फ्रेंड वहाँ जो गए हुए थे वो ऋषिकेश में वापस आ गया ना। दीदी आ गई है, इसको वहाँ मिस कर रहे हैं, मुझे भी मिस कर रही है सारी सहेलियाँ। चलो भैया चलते हैं, हमारे बिना लोगों को काम नहीं, मन नहीं लगता किसी का हमारे बिना, क्या करें हम, है ही नहीं। सुबह कंफर्टेबल, जो मेरे को गाड़ी चलाने में आसानी होगी, और मम्मी बुध बाजार भी घुमा के लाई, और जो गाड़ी चला वो कुछ पसंद नहीं आया मुझे वहाँ पे, और जो गाड़ी चलाने में आसान कपड़े होंगे वो मैंने पहन लिए, ट्राउज़र और ये कुर्ता। वैसे तो टी शर्ट और मैं पहनूँ, पर भाई साहब के घर तेल लेने जाना है मुझे,
मेरठ उतरना पड़ेगा रास्ते में, और क्योंकि बार बार तो आया नहीं जाता है, वो कितने टाइम से बोल रहे थे, और मेरा तेल भी ख़त्म हो गया था, अब वहाँ से तेल के कनस्तर रखवाने हैं दो, और तो इसलिए कम जो ड्राइव में इजी लगे चश्मा, ये हालांकि मुझे आदत पड़ गई है इसकी, इसलिए मैंने आज लगा के रखा है, पर कल ड्राइव के टाइम में मैं पुराना ही चश्मा लगाऊंगी अपना, क्योंकि ड्राइव में रिस्क नहीं लिया जा सकता है, वैसे आदत पड़ गई है मुझे इसकी, सामने देखा है वही लगाऊंगी, कौन सा वाला, ये वाला पुराना नहीं, यही लगाऊंगी मैं, उधर तो उतर जा फिर ये रहेगा। हनी मेरा सामान ले रख के आ रहा है, गाड़ी लेके आया वहाँ से पार्किंग से, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो काम बहुत सारा कर देते हैं, और नाना जी आवाज़ कम नहीं करेंगे, मैं वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, हर हर गंगे हर हर महादेव। आज ऋषिकेश जा रहे हैं, पहले जाऊँगी मेरठ तेल लेने हैं, और फिर जाऊँगी ऋषिकेश, 6:30 बज गए हैं अब निकलने वाले, देख लो 6:30 बजे ठीक है ना, निकलने वाले हैं, लाइट भी थोड़ी सी सुबह सुबह ले जला रही हूँ।